बहुत थोड़ी सी अमेंडमेंट्स हैं बट स्टिल हैं, सो वी विल बी स्टार्टिंग अप फास्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. सो वी आर ऑप्टिंग फॉर अमेंडमेंट्स फॉर नवंबर 2020. लॉ में आपके लिए जो अमेंडमेंट्स फिजिबल हैं, जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं, वो मैं आपको करवाने लगी हूं. तो सबसे पहली अमेंडमेंट है आपकी, अगर हम बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, या हम बात करें द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की 1930, या हम बात करें द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की 1932, या हम बात करें एलएलपी एक्ट की 2008, इन सब में एक कॉमन अमेंडमेंट है. इन सब में हमारे पास एक कॉमन अमेंडमेंट है और वो कॉमन अमेंडमेंट कहती है दैट पहले हम बोलते थे कि ये सब एक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होते, इंडिया के बाकी सारे पार्ट्स में एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन अब हम बोलते हैं कि ये जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट में भी एप्लीकेबल है, क्योंकि जेएनके की कॉन्स्टिट्यूशन पहले सेपरेट होती थी, अब जेएनके की कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, राइट? बट इसको लॉ की लैंग्वेज में कैसे इंटरप्रेट करेंगे? आपको एमसीक्यू भी आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स भी आ सकता है इस टॉपिक में से. तो लॉ की लैंग्वेज में इसको इंटरप्रेट हमने कैसे करना है, राइट? तो मैं आपको लिखवा रही हूं, वी विल से अमेंडमेंट via J&K Reorganization Act 2019. सो ये अमेंडमेंट कहां से आया? J&K Reorganization Act 2019 क्रिएट किया गया, डेटेड 9th August 2019. एक्ट की डेट ये है. द अमेंडमेंट इज इफेक्टिव विद इफेक्ट फ्रॉम 31st October 2019. एक्ट आया 9, जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 9th अगस्त 2019 को, और ये अमेंडमेंट होल ओवर इंडिया इफेक्टिव कर दी गई 31st October 2019 से. इस अमेंडमेंट में उन्होंने किया क्या? इस अमेंडमेंट में उन्होंने किया क्या? उन्होंने ओमिट कर दिया, ओमिटेड, ओमिटेड का मतलब है हटा देना, हटा देना. क्या हटाया? एक्सेप्ट जे एंड के. पहले हम क्या बोलते थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल टू होल इंडिया एक्सेप्ट जे एंड के. वो कहते जो आप बाद में लाइन यूज करते थे एक्सेप्ट जे एंड के, उसको हटा दो. ठीक है जी, हमने ओमिट कर दिया, तो फिर ऐड क्या करना है? ये जो ओमिट किया इसकी जगह ऐड क्या किया? उन्होंने बोला इसमें ऐड करो दैट द एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, द एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया and it shall came in force
ऑन द रिस्पेक्टिव डे ऑफ एक्ट. जब जो एक्ट बना, जैसे कि 1 सितंबर 1872, तो चाहे आज अमेंडमेंट 2019 में हुई है, लेकिन हम लागू पिछले सालों से कर रहे हैं. हम क्या बोल रहे हैं, एज इफ जे एंड के ऊपर हर बारी से ये एक्ट एप्लीकेबल थे. तो अब ओमिट हो चुका है कि जे एंड के पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होते. रादर कॉन्सेप्ट क्या एप्लीकेबल है कि हर एक्ट जो ऊपर लिखा है वो पूरे के पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है. दिस इज योर फर्स्ट अमेंडमेंट. ठीक है जी, मूविंग ऑन टू योर सेकेंड अमेंडमेंट. योर सेकेंड अमेंडमेंट इज फ्रॉम कंपनीज एक्ट 2013. योर सेकेंड अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट 2013. इसमें पहली अमेंडमेंट है, उन्होंने रिवाइज्ड डेफिनेशन निकाल दी है. रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी. याद करो, मैंने इसका तुम्हें केस स्टडी भी करवाया था. उन्होंने स्मॉल कंपनी का रिवाइज्ड डेफिनेशन निकाल दिया है, जिसका मैंने तुम्हें केस स्टडी भी करवाया था. रिवाइज्ड डेफिनेशन में उन्होंने क्या बोला है, रिवाइज्ड डेफिनेशन में उन्होंने बोला है दैट स्मॉल कंपनी कौन सी होती है. दे सेड स्मॉल कंपनी means a company other than public company. मतलब ये लाइन देने से उन्होंने ये बता दिया कि स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है. ठीक है, ये लाइन देने से उन्होंने बताया स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है. और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन जाती है क्योंकि लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि तुम्हें स्मॉल कंपनी की डायरेक्ट डेफिनेशन या स्मॉल कंपनी का केस स्टडी पेपर में आ सकता है. तो स्मॉल कंपनी की क्या अमेंडमेंट आई है, स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी. और इसके नीचे पहली कंडीशन है पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 lakhs और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. तो पहला पॉइंट आया है, स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जिस कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल 50 lakh एक्सीड नहीं करता. ठीक है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शेल नॉट बी मोर देन 10 crore, 10 crores. इसका मतलब अभी के लिए आपके लिए अगर किसी कंपनी का जो कि पब्लिक नहीं है प्राइवेट है, और अगर उस प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 lakh से कम है तो वो स्मॉल कंपनी है. मैम फिर 10 crore का क्या मतलब है, 10 crore का मतलब है अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो इस 50 lakh की लिमिट को कभी भी बढ़ा सकती है. बट गवर्नमेंट के ऊपर भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि गवर्नमेंट जितना मर्जी बढ़ाए हम अमेंडमेंट फॉलो करते रहेंगे. बट गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है कि गवर्नमेंट इस अमाउंट को 10 crore के बियॉन्ड नहीं लेके जा सकती. सेकेंड, दोनों के बीच में एंड है, यानी कि दो कंडीशंस आपने फॉर्मुलेट करनी है साइमल्टेनियसली. सेकेंड कंडीशन क्या है स्मॉल कंपनी की,
टर्नओवर ऑफ विच, टर्नओवर ऑफ विच एज पर पीएनएल अकाउंट ऑफ इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर does not exceed 2 crore or such amount as may be prescribed or such amount as may be prescribed which shall not be more than 100 crores. मतलब अभी के लिए अगर आपका टर्नओवर जो पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर है उसको 2 crore एक्सीड नहीं करता, डज नॉट एक्सीड 2 crores, गवर्नमेंट इस अमाउंट को बढ़ा सकती है, अभी नहीं बढ़ाया, बढ़ा के गवर्नमेंट के हाथ की रिस्ट्रिक्शन क्या है 100 crore. तो नाउ व्हाट डज अ स्मॉल कंपनी मींस, स्मॉल कंपनी के केस में पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बढ़ा के 10 crore तक लेके जाया जा सकता है, टर्नओवर 2 crore से ज्यादा नहीं होना चाहिए बट बढ़ा के 100 crore तक सरकार लेके जा सकती है. ठीक है, कॉन्टिन्यूड है ये डेफिनेशन. आगे उन्होंने लिखा हुआ है प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू, मतलब ऊपर लिखी हर चीज एप्लीकेबल नहीं होती किस केस में, होल्डिंग कंपनी के केस में या सब्सिडरी कंपनी के केस में. होल्डिंग कंपनी के केस में ये कॉन्सेप्ट नहीं लेना, सब्सिडरी कंपनी के केस में ऊपर लिखा कॉन्सेप्ट नहीं लेना. कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिटेबल पर्पसेस, उस केस में ये सेक्शन के लॉजिक्स एप्लीकेबल नहीं होते. एंड अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट, जैसे कि आईसीएआई इज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट. तो दे से ऊपर लिखी जो अमेंडमेंट नहीं आई है उसका इंपैक्ट होल्डिंग कंपनी पे नहीं पड़ेगा, सब्सिडरी पे नहीं पड़ेगा, सेक्शन 8 की कंपनी में उसका इंपैक्ट नहीं देखेंगे. और जो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट स्पेशल एक्ट के अंडर कवर होती हैं, उनके ऊपर भी ऊपर लिखा सेक्शन 2 क्लॉज 85 का लॉजिक एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, रीड इट, रिवर्ट मी बैक, इज इट क्लियर? Ask me in case you want to ask me anything. I'm waiting and giving you 2 minutes.
यस भावेश, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे वो कह रहे हैं होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी का लॉजिक देखते वक्त स्मॉल कंपनी की प्रक्रियाएं ना लगाई जाए। जो किसी की सब्सिडरी बनेगी, इट इज वेरी ऑब्वियस कि वो पेरेंट कंपनी की नेचर से जानी जाएगी। तो ऑब्वियस है कि सब्सिडरी कंपनी अगर स्मॉल कंपनी है भी, तो भी उसको स्मॉल कंपनी तो बोला ही नहीं जाएगा। वो हमेशा अपनी होल्डिंग कंपनी की नेचर से जानी जाती है। यस आदोश, इट इज लाइक दिस ओनली। एनीबडी एल्स, शुड आई मूव ऑन? ओके, सो नेक्स्ट अमेंडमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नेक्स्ट आया है जी, रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। रिवाइज डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। हमने पुरानी डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई थी? हमने पढ़ा था अगर किसी कंपनी में 51% से ज्यादा या इक्वल की अमाउंट, 51% से ज्यादा या इक्वल की अमाउंट गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो तो भी, किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास हो तो भी, सेंट्रल स्टेट की मिला के तो भी, अगर गवर्नमेंट के पास एटलीस्ट 51% का पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब होता है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, तो उस कंपनी की मेजॉरिटी पेड अप शेयर कैपिटल क्योंकि गवर्नमेंट के पास है, हम उसको क्या बोलते थे? गवर्नमेंट कंपनी, राइट? उतना हिस्सा नहीं बदला है, उतना हिस्सा एज इट इज ही है। आई एम राइटिंग इट डाउन। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच, एनी कंपनी इन विच ग्रेटर देन और इक्वल टू 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। सी, ये क्या है डेफिनेशन की आप नेचर नहीं बदल सकते, एज इट इज लिखनी पड़ेगी। वो बोलते हैं अगर किसी कंपनी में 51% के इक्वल या 51% से ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या अकेले अकेले स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सी, यहां तक
यहां का मतलब है अकेले सीजी के पास, यहां का मतलब है अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। यहां का मतलब है जॉइंटली, जॉइंटली थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट के पास, और इस पॉइंट का मतलब है एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास जैसे मर्जी अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और ये परसेंटेज बढ़ गई तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। ये पहला पॉइंट है। सी नाउ द अमेंडमेंट, उन्होंने बीच में लिख दिया एंड, और सेकंड पॉइंट दे दिया अ कंपनी विच इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट का मतलब है गवर्नमेंट कंपनी की जो बच्चा कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी की जो चाइल्ड कंपनी है यानी कि सब्सिडरी है, वो सब्सिडरी चाहे प्राइवेट ही क्यों ना हो, वो सब्सिडरी की अपनी नेचर जो मर्जी क्यों ना हो, वो अपनी होल्डिंग कंपनी की नेचर से जानी जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी की हर सब्सिडरी को गवर्नमेंट कंपनी ही बोला जाता है। नाउ अंडरस्टैंड, जब हमारे सामने एंड वर्ड दिया होता है, हमें लगता है कि हमें इन दो कंडीशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। यू गेटिंग इट? प्रैक्टिकली सोचो, अगर किसी कंपनी के पास 70% सरकार के पास है तो क्या वो गवर्नमेंट कंपनी है? हां जी। बट अगर उस गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी है ही नहीं तो आप क्या बोलोगे कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती? आंसर इज नहीं, ऐसा नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है यहां पे लिखा एंड है लेकिन इसको लॉ में इंटरप्रेट और किया जाएगा, इंटरप्रेट इट एज और। ये आपने लिखना नहीं है वहां पे डेफिनेशन में, ये मैं आपको समझा रही हूं कि इसका क्या मतलब है। इट विल बी इंटरप्रेटेड एज और, मतलब जिस कंपनी में गवर्नमेंट की 51% या बियॉन्ड की होल्डिंग है वो भी गवर्नमेंट कंपनी है, या और जिस गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है वो भी गवर्नमेंट कंपनी है। यहां पे लिखा एंड गया है बट यहां पे एंड का मतलब ये नहीं है कि आपको दो कंडीशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। यहां पे एंड लिखा जरूर है बट लॉजिकली जब ये केस ज्यूरिसडिक्शन में जाएगा इसको कोई भी लॉ मेकर इंटरप्रेट और की तरह करेगा। तो रिटन एज एंड बट इंटरप्रेटेड एज और। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक और पॉइंट ऑफ व्यू डाला, उन्होंने इसमें ऐड कर दी एक्सप्लेनेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस एक्सप्लेनेशन हैज बीन इंसर्टेड बाय नोटिफिकेशन dated 2nd March 2020। जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने डाली, उस एक्सप्लेनेशन में उन्होंने क्या बोला? दे सेड फॉर द पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कंस्ट्रूड एज
टोटल वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर वेयर शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैव बीन इशूड. What does this means? Understand the twist they have given. वो बोल रहे हैं, ध्यान से देखना, मैं ऊपर जा रही हूं. Can you see the definition? अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे दिया हुआ है 51% of paid up share capital. What does paid up share capital means? Paid up share capital means equity share capital plus preference share capital. वो कह रहे हैं normally एक company को government company के लिए हम ये condition देखते हैं कि 51% of paid up share capital होना चाहिए. वो कह रहे हैं जो न्यू अमेंडमेंट आई है वो ये कहती है, ये वाला लॉजिक तब लगाना जब वो कंपनी डिफरेंशियल शेयर्स इशू ना करती हो. दिस इज द न्यू अमेंडमेंट. ये वाला लॉजिक तब लगाना जब वो कंपनी डिफरेंशियल शेयर्स ना इश्यू करती हो. याद करो, इक्विटी शेयर्स दो तरह के होते थे, विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, विदाउट डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. वो कह रहे हैं नॉर्मली हर कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर्स इशू नहीं करती. वो कहते जो जो कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर्स इशू नहीं करती उनके लिए यही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल. ठीक है, नीचे उन्होंने एक्सप्लेनेशन में बोल दिया वो कंपनी जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर्स इशू करती है, वो कंपनी जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर्स इशू करती है उनके लिए उन्होंने पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड यूज नहीं करना. 51% देखते वक्त उन्होंने 51% करनी है टोटल वोटिंग पावर की. ठीक है, एक बार यहां तक रीड करो, फिर मैं तुम्हें गवर्नमेंट कंपनी का लॉजिक इलस्ट्रेशन के साथ समझाती हूं. आई नो दिस इज द टफ अमेंडमेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट. एक बार वर्डिंग्स रीड करो, क्या वर्डिंग्स में डाउट है, फिर जो नहीं समझ आ रहा मैं इलस्ट्रेशन करवा के तुम्हें समझाती हूं. कंस्ट्रूड का मतलब है विदुषी की उन शब्दों के प्रति इन शब्दों के वर्तों की जाएगी जहां जहां पे पेड अप शेयर कैपिटल शब्द लिखा गया है उनकी जगह टोटल वोटिंग पावर शब्द की वर्तों की जाएगी. उसके लिए द वर्डिंग यूज्ड इज कंस्ट्रूड. You guys need to revert me back. Is it clear? Then only I will start with the illustration. I'm waiting for you all to reply me back.
ओके सो आई स्टार्टअप विद द इलस्ट्रेशन जो कि आपको केस स्टडी के तौर पे भी आ सकता है क्योंकि ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है. ठीक है, सी एक हम लेते हैं केस वन, एक हम लेते हैं केस टू. केस वन ले लेते हैं दैट कंपनी हैज, कंपनी डज नॉट हैव, कंपनी डज नॉट हैव डिफरेंशियल शेयर्स. और केस टू ले लेते हैं दैट कंपनी हैज डिफरेंशियल शेयर्स. ठीक है, देन आई एम डिवाइडिंग द सेम इनटू टू पार्ट्स. आपको गिवन है शेयर कैपिटल पहले केस का एंड वोटिंग वोटिंग पावर. ऐसे ही दूसरे के लिए भी यू आर गिवन शेयर कैपिटल एंड वोटिंग पावर. ठीक है, दिस इज द डेटा गिवन टू यू एंड द डेटा सेज दैट कोई कंपनी है, उस कंपनी का आपको गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपया की और क्लियरली मेंशन्ड है कि ये ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं. और याद रखना है लॉ में ऑर्डिनरी शेयर्स के केस में रूल क्या होता है, वन शेयर वन वोट. उन्होंने हमें यहां पे दिया है कि शेयर कैपिटल है 800 लाख, इट इज रुपीज 800 लाख. दिमाग लगाओ, 10 रुपया फेस वैल्यू है, 800 लाख शेयर कैपिटल है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? दिमाग लगाओ, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? आंसर इज 80 लाख. तो एक शेयर के प्रति एक वोट है, तो वोटिंग पावर कितनी है इन शेयर होल्डर्स के पास? आंसर इज 80 लाख वोट्स है इनके पास. आंसर इज 80 लाख वोट है इनके पास. कैसे पता लगा? यहां से पता लगा, वन शेयर वन वोट. 800 लाख का टोटल शेयर कैपिटल है, एक शेयर कैपिटल की वैल्यू है 10, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपया. तो 800 लाख डिवाइडेड बाय 10 टर्न्स आउट टू बी 80 लाख वोटिंग पावर है इनके पास. ठीक है, यहां पे भी सेम आएगा, सेकेंड केस में भी सेम ले लेते हैं, 800 लाख एंड 80 लाख. देन आपको दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 10 रुपए आई है, लेकिन नीचे दे दिया डिफरेंशियल शेयर्स. मतलब याद करो, मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल शेयर्स में वोटिंग पावर डिफरेंट होती है, बहुत ज्यादा शेयर्स के प्रति एक वोट मिलता है. तो एज एन एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 10 शेयर्स के प्रति आपके पास वन वोट है. इसका क्या मतलब हुआ? पहला केस देखना, ऊपर पहला केस क्या है? पहला केस हम ले रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंशियल शेयर्स नहीं है, तो यहां पे मैं जीरो लूंगी, यहां पे भी जीरो लूंगी. सी, किसी को डाउट है तो अभी पूछना, बिकॉज मैं बहुत स्लो चल रही हूं, एक एक पॉइंट बता रही हूं. लास्ट में जाके बोलोगे कि पूरा एक बारी दोबारा कर दो तो मुश्किल है, क्योंकि लंबा टॉपिक है. अब डिफरेंशियल शेयर्स की बात करते हैं, डिफरेंशियल शेयर्स की बात करते हैं. उन्होंने हमें यहां पे दे रखा है 100 लाख, रुपीज 100 लाख.
₹10 का एक शेयर है, ध्यान से सुनना, ₹10 का एक शेयर है, 100 divided by 10 करूंगी तो कितना आया, 10 lakh shares, 10 lakh shares, 10 share के प्रति एक वोट है, तो 10 lakh shares के प्रति कितने वोट होंगे, आंसर इज 1 lakh। मैं आपको ये भी दे रही हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये गिवन था, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये हमने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेटेड, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड, तुम्हारे को समझाने के लिए कि तुम कंफ्यूज ना हो जब रिवाइज करो, ये हमने कैलकुलेट किया है। फिर से बता रही हूं, 1 lakh कैसे आया, गिवन था कि 100 lakh के डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का शेयर कैपिटल है, डिवाइडेड बाय 10 किया, पता चल गया अच्छा 10 lakh शेयर है, कहते जी 10 share एक वोट करते हैं तो 10 lakh शेयर्स कितने वोट करेंगे, आंसर इज 1 lakh, ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है अगेन 800 लाख का, तो शेयर्स कितने हो गए 80 lakhs, शेयर्स कितने हो गए 80 lakhs, ध्यान से समझना, अब मैं ट्विस्ट दिखा रही हूं, मैंने शेयर कैपिटल में लिख दिया 800 lakhs, वोटिंग में लिख दिया 80 lakhs। मैम नहीं कर सकते ऐसा, कांटा मारो इसको, यहां पे 0 आना चाहिए, क्यों, याद करो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में वोटिंग राइट अवेलेबल नहीं होता, रिमेंबर द टॉपिक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नॉर्मल कंडीशन में वोटिंग राइट होता ही नहीं, 0। You can write the reason over there, right? तो यहां पे भी क्या आएगा, राइट हैंड साइड पे भी सेम फिगर्स हमको दे रखी हैं, यहां पे आएगा ₹800 lakhs और यहां पे आएगा 0, वोटिंग पावर नहीं है तेरे पास भाई, तू प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो लिख दिया सारा। अब टोटल करते हैं, अब टोटल करते हैं कि मेरे पास पेड अप शेयर कैपिटल कितना आया, पेड अप शेयर कैपिटल होता है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस करके, यू गेटिंग इट, 800 लाख कितना आ गया 1600 लाख रुपीज में, ₹1600 lakhs, यहां पे कितना आया राइट हैंड साइड पे सेकंड केस में कितना आया 800 plus 100, 900 plus 800, 1700 lakh, वोटिंग पावर कितनी आई, वोटिंग पावर कितनी आई, अगर आप ध्यान से देखो तो वोटिंग 80 लैक्स और यहां पे 80 लैक्स प्लस 1 लैक 81 लैक्स, जस्ट अ मोमेंट, कुछ गड़बड़ हो गई है, आना 1 मिनट, वो क्लास करप्ट हो गई, पता नहीं क्या हुआ बीच में, वही प्रॉब्लम आ रही है, येलो दिखा रहा है,
चल तो रहा है। ठीक है ओके। रिवॉर्ट मी बैक, कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि मैं विजिबल हूं? मेरे को ना एक मिनट आईसीएम ऐप में मैसेज करो प्लीज, अगर मेरी आवाज ऑडिबल है तो आईसीएम ऐप में एक बारी डालना कि क्या मैं विजिबल हूं और मेरी आवाज ऑडिबल है। काइंडली एनीवन प्लीज पुट द ओके ओके फाइन थैंक यू। कभी भी किसी कंपनी के पास सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स होते ही नहीं है भावेश। गुड मॉर्निंग। पहले मुझे टॉपिक खत्म करने दो, मैं अभी क्वेश्चंस रीड नहीं कर रही हूं। आई एम नॉट रीडिंग द क्वेश्चंस टिल द टाइम आई नॉट फिनिश इट। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि 80 लाख की वोटिंग हुई है विदाउट डिफरेंशियल वोटिंग, विदाउट डिफरेंशियल शेयर्स में, और 81 लाख के वोट आए हैं विद डिफरेंशियल में। ठीक है, तो मेरे पास आया 51% किसका चेक करना है? पेड अप शेयर कैपिटल का। इसका मतलब फर्स्ट केस में इसको मुझे नहीं देखना वोटिंग पावर कितनी है, मुझे सिर्फ इसके साथ चलना है। यहां पे मैं क्या करूंगी, अगर गवर्नमेंट कंपनी के पास ग्रेटर देन इक्वल टू 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है फर्स्ट केस में, यानी कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 51% ऑफ 1600 लाख रुपया है,
देन वो इज इक्वल टू गवर्नमेंट कंपनी है. वाई? बिकॉज अगर आप डिफरेंशियल शेयर्स इश्यू नहीं करते तो आपने 51% पेड अप शेयर कैपिटल का ही देखना था. वोटिंग पावर आपने कितनी की कितनी नहीं की एप्लीकेबल ही नहीं थी, लॉजिक ही नहीं था. व्हाट अबाउट द अदर वन? अब नाउ सी, कंपनी के पास डिफरेंशियल शेयर्स है. अमेंडमेंट कहती है अगर आप डिफरेंशियल शेयर्स इश्यू करते हो तो पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड को कंस्ट्रूड करो टोटल वोटिंग पावर में. इसका मतलब सेकंड केस में आई एम नॉट कंसर्न्ड विद 1700 लाख रुपया, क्योंकि यहां पे तो डिफरेंशियल शेयर्स हैं. अब मैंने क्या देखना है, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर. मतलब अगर किसी सरकार के पास इक्वल टू या ज्यादा 81 लाख वोट्स से ज्यादा या इक्वल टू वोट्स मौजूद है तो वो गवर्नमेंट कंपनी है. इसका मतलब जब डिफरेंशियल वोट्स शेयर्स इश्यू नहीं किए वी विल नॉट कंसिडर वोटिंग पावर. और अगर डिफरेंशियल शेयर्स इश्यू किए वी विल नॉट कंसिडर पेड अप शेयर कैपिटल. सारे जने सारा गो थ्रू करो फटाफट से, मैं तब तक आपके क्वेश्चंस आंसर करती हूं जो आपने पूछे हैं मेरे से. मुकुल मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है. और भाविश, भाविश जी, कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोट नहीं कर सकते, ठीक है ना? हर कंपनी फिर डिसीजन तो शेयर होल्डर्स लेते हैं. आप ऐसी कंपनी क्रिएट ही क्यों करोगे जिसमें सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर रहे हो? और आप ऐसी कंपनी क्यों क्रिएट करोगे जहां पे आपको बाउंडिंग है कि शेयर्स पे डिविडेंड देना ही देना है या वाइंडिंग अप के टाइम पे पैसे देने ही देने हैं? तो ऐसा नहीं होता. व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ओनली. राहुल, यस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि पेड अप शेयर कैपिटल में इफ नथिंग इज मेंशन्ड, सिंस हियर इट इज ऑल्सो नॉट मेंशन्ड, वी टेक इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. बाकी सबका मैंने क्वेश्चन आंसर कर दिया है, क्लियर है तो बता दो. मुकुल मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया तो यू नीड टू रिवॉर्ड मी बैक.
ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट. नेक्स्ट अमेंडमेंट इज मीनिंग ऑफ निधि कंपनी. वैसे ये सेक्शन 406 क्लॉज 1 में आता है, बट क्योंकि मीनिंग आपके सिलेबस में है, स्टिल हम उसको करेंगे. और ये मेंशनड है कि इसको आईसीआई कंसिडर करेगा. लिख लो, व्हाट डज दिस अमेंडमेंट, निधि कंपनी में क्या अमेंडमेंट आई है. पहले हम सिर्फ निधि कंपनी वर्ड यूज करते थे. निधि कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने मेंबर्स की बेनिफिट के लिए काम करती है, और ये एक ऐसी कंपनी है जो लोगों में थ्रिफ्ट क्रिएट करती है, यानी कि लोगों को सेविंग करनी आए, लोग अपने फ्यूचर के लिए सेविंग कर सकें, तो सेविंग की आदत जो कंपनी डलवाती है दैट इज कॉल्ड निधि कंपनी. ये सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए काम करती है, उन्हीं से ही पैसे लेती है, उन्हीं को ही पैसे देती है और उन्हीं की बेटरमेंट के लिए काम करती है. दैट इज निधि कंपनी, राइट. नाउ निधि कंपनी के लिए You can also use the word mutual benefit society. You can also use the word mutual benefit society. Nidhi or mutual benefit society means a company which the central government may by notification in the official gazette, comma, declare to be a nidhi or mutual benefit society or as the case may be. They said nidhi company ke liye aap kya bologe, aap bologe निधि बोलू या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी बोलू, एक ही बात है. तुम म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी तब कहलाए जाओगे जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डालेगी ऑफिशियल गजेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हें म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी डिक्लेयर करेगी, तो ही तुम म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी बनोगे, एल्स नहीं. इसके ऊपर सेक्शन 8 के लॉजिक्स नहीं लगते कि तुम चैरिटेबल पर्पस के लिए होने चाहिए हो, तुम स्पोर्ट्स हेल्थ वगैरह को कर रहे हो, वो उसके सेपरेट लॉजिक्स है, इसके सेपरेट लॉजिक्स है. ठीक है, ये कब आई अमेंडमेंट, इट वॉज सब्स्टिट्यूटेड by Companies Amendment Act 2017 और apply कब हुई है, with effect from 15/8/2019. This is the small amendment, not very important, still we will do it. ठीक है, आगे द लास्ट अमेंडमेंट फॉर टुडे एंड द लास्ट अमेंडमेंट फॉर योर नवंबर 2020 पेपर्स, इट्स रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी. अगेन एन इंपॉर्टेंट वन. Revised definition of
सब्सिडरी कंपनी, नाउ व्हाट दिस अमेंडमेंट सेज, आपको याद है हमने इसके प्रति केस स्टडी भी करी थी, मैंने आपको इसके प्रति केस स्टडी भी करवाई थी जिसमें हमने करा था ए बी की सब्सिडरी है, बी की सब्सिडरी सी है, और फिर हमने शेयर्स की कैलकुलेशन करके निकाला था सब्सिडरी कंपनी। उन्होंने पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड को बदल दिया है वोटिंग पावर वर्ड के साथ, उन्होंने सॉरी टोटल शेयर कैपिटल वर्ड को बदल दिया है वोटिंग पावर वर्ड के साथ। पूरी डेफिनेशन सेम है, जहां पे आप पहले पढ़ते थे मोर देन हाफ टोटल शेयर कैपिटल, अब आप क्या पढ़ोगे मोर देन हाफ टोटल वोटिंग पावर। वो एक शब्द बदलने की वजह से उस केस स्टडी को करने का नजरिया बदल जाएगा। अब वो आपको कंफ्यूज करने के लिए शेयर कैपिटल भी देंगे, वोटिंग पावर भी देंगे, नंबरिंग बताएंगे। आपने जब अगर केस स्टडी आ गई और ये कैलकुलेट करना है कि फलानी कंपनी सब्सिडरी कंपनी है कि नहीं, तो आपने उस केस स्टडी को वोटिंग पावर के लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करना है, ना कि टोटल शेयर कैपिटल के लॉजिक के साथ। ठीक है, मैं लिख रही हूं। In relation to any other company, that is to say the holding company means a company in which in which the holding company, first point, controls the composition of बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या चेंज इज हेयर, या एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर। मोर देन हाफ द वोटिंग पावर, अब वो मोर देन हाफ वोटिंग पावर एक होल्डिंग कंपनी के पास है तो भी, याद करो होल्डिंग और सब्सिडरी उसकी सब्सिडरी को मिला के है तो भी, इधर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है होल्डिंग कंपनी अकेले के पास ग्रेटर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर है। तो इसका मतलब क्या है? होल्डिंग प्लस उसकी वन सब्सिडरी को मिला के अगर ग्रेटर देन है 50% ऑफ वोटिंग पावर, और इस लाइन का क्या मतलब है होल्डिंग की प्लस सब्सिडरी
प्लस अगर मोर सब्सिडरीज है एक से ज्यादा, इन सब का मिला के ग्रेटर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर अगर आ जाता है तो भी यू विल बी कॉल्ड होल्डिंग कंपनी बिकॉज यू आर एक्वायरिंग दैट मच वोटिंग पावर एंड द रिस्पेक्टिव कंपनी जिसकी 50% से ज्यादा की वोटिंग पावर आप एक्वायर कर रहे हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 87 दैट विल बी कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी. और उसके नीचे सिर्फ एक पॉइंट मेंशन्ड है, प्रोवाइडेड दैट such class or classes of holding company as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such numbers as may be prescribed. As may be prescribed. What does this means now? इस लाइन का मतलब ये है कि अगर तुम होल्डिंग कंपनी हो, तुम्हारे नीचे सब्सिडरी है और हम तुम्हारा और तुम्हारी सब्सिडरी का टोटल करके वोटिंग पावर देख रहे हैं कितनी है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जितनी मर्जी सब्सिडरीज अपने नीचे ले लोगे. लेयर ऑफ सब्सिडरीज वर्ड है और ये लेयर कहता है कि आप टू लेयर्स तक जा सकते हो. टू लेयर्स तक जा सकते हो, हर सब्सिडरी की आगे सब्सिडरी हो सकती है, बट होल्डिंग कंपनी के नीचे जो सब्सिडरीज हो सकती है इट कैन गो टू. ठीक है जी, रीड करो एक बारी, देखो कोई डाउट है, नहीं है तो बताओ, है तो वो भी बताओ. आई एम वेटिंग, गिविंग यू 2 मिनट्स. Mukul, 15 to 20 marks can be expected from Companies Act. Agosh ji, ek holding company ke niche do subsidiaries jud sakti hai. हर सब्सिडरी की आगे सब्सिडरीज बन सकती है, बट एक मेन होल्डिंग कंपनी दो सब्सिडरीज को संभाल सकती है. टू लेयर्स अलाउड है, उसके आगे अलाउड नहीं है. इसमें भी एक्स्ट्रा कंडीशंस अटैच्ड है, बट वो आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है कि आपके मन में आ जाएगा रिलायंस की तो कितनी सारी सब्सिडरीज है, तो वो सब आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है. इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो हम इंटर का लॉजिक है, वो इंटर में हम डिटेल में बताते हैं कि कब कब सब्सिडरीज जुड़ सकती हैं, कब कब नहीं.
फाउंडेशन लेवल में सी उन्होंने तो आपको अमेंडमेंट में टू वर्ड भी नहीं दिया था, मैंने स्टिल बता दिया कि लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज दो पे आके रुक जाती हैं, तो इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। नो मेयर जो होते डजेंट मैटर, आई हैव रेड योर क्वेश्चन, नो इट डजेंट मैटर, डिफरेंशियल वोटिंग है कि नहीं है, इट डजेंट मैटर, इफ अ होल्डिंग कंपनी एक्वायर्स यू, यू विल बी इट्स सब्सिडरी एंड यू विल बी नोन बाय द नेचर ऑफ द होल्डिंग कंपनी ओनली। आई होप आई एम क्लियर। सो दीज वर द अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर योर नवंबर 2020, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, ठीक है जी। तो आई होप आई वॉज एबल टू क्लियर यू विद द कॉन्सेप्ट्स आई डिड। एंड फॉर ऑल द लेट ज्वाइनर्स, आई विल मीट यू टुमारो एट 8:30 एंड योर टेस्ट इज एट 2:00, राइट। तो लेट ज्वाइनर्स विल हैव देयर क्लास एट 8:30 इन द मॉर्निंग, राइट। थैंक यू बच्चा लोग, आई एम स्टॉपिंग द क्लास, टेक केयर, बाय बाय।